मतलब ये है कि जो निश्चित है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही, जो निश्चित जिसे डिफाइंड आपने पकड़ के रखा है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही, बट जो अनडिफाइंड है, जो अनिश्चित है, वो भी समाप्त होने वाला है, उसका भी विनाश होने वाला है। इसलिए आपको एक मिडल वे आइडेंटिफाई करनी होगी जिसके थ्रू जिसका कोई डिस्ट्रक्शन टाइम डिफाइंड नहीं है। आप ना 15 मिनट तक की टाइम बॉक्सिंग करें, मिनिमम 15 मिनट की टाइम बॉक्सिंग करें, और उसमें क्या करना है आपको, ये प्रूफ करते ही जाना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने आपको पता है न्यू नॉलेज का, और ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज का कॉन्सेप्ट पता है, आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्या सबूत है। तो आप ना एक रैली खेलेंगे इस वक्त। रैली कैसी होगी, क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, उसका आंसर खुद ही आएगा, क्वेश्चन खुद ही पूछेंगे, आंसर खुद ही आएगा, तो क्यू एंड ए रैली कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा ये? क्यू एंड ए रैली, ठीक है, विच विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ई के एंड एन के, ओके, दैट इज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आप जब ये रैली खेल रहे होते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली, आप पाते हैं कि आपने खुद एक फ्रेमवर्क और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है, मतलब, और फिर उसे आपने क्या करना होता है, आप एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, आपने उसे फिर बाद में रिकॉर्ड करना होता है कहीं, तो आप इसे लिख कर रिकॉर्ड करें, बोल कर रिकॉर्ड करें, या जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस तरीके से आप रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब ये आपके पास में तीन तरीके हैं, पहला तरीका है न्यू नॉलेज, दूसरा तरीका एग्जिस्टिंग नॉलेज, तीसरा तरीका है क्वेश्चन नॉलेज। क्वेश्चन नॉलेज ऊपर के दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन है, उसमें आप कैसे प्रूव मोड में जाएंगे कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस नॉलेज इज ट्रू। इस दरमियान क्या होगा कि आप कुछ रिसर्च पर निकल पड़ेंगे और आपको बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, और आप देखेंगे कि आपका जो थिंकिंग होराइजन है और कंटेंट क्रिएशन होराइजन है वो बढ़ता ही जाएगा, और जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नॉलेज है आप उसमें डीप इंसाइट लेते जाएंगे। और ये सिर्फ आपके ऑडियंसेस को ही हेल्प नहीं करेगा, वो आपको भी एक डीपर लेवल पे हेल्प करेगा। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आज के डेट में मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो या तो हीलर हैं, वो या तो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो होटेलियर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, वो बिल्डर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, वो बिजनेस पर्सन हैं, और उन्होंने एक अलग ही बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है, और वो आज धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद को पा रहे हैं कि वो शूटअप किए जा रहे हैं मार्केट में घर बैठे हुए ही। जहां पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धिक्कार रहे हैं कि लॉकडाउन में सब अपने आप को बेबस महसूस सा कर रहे हैं, लेकिन जो इस लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी बना करके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए इनकम सोर्स जनरेट करते जा रहे हैं, बाहर जो लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो इन लोगों को धिक्कार रहे हैं, ओके, वो ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं। बट जो परिपक्व लोग हैं, जो जिनकी मानसिकता परिपक्व है, वो क्या कहते हैं, वो इन चीजों को सराहते हैं और इन नई चीजों को अपनाते हैं। जो एक बिल्कुल ही रूढ़ विचारधारा वाला व्यक्ति है वो इसे तुरंत ही मतलब रिजेक्ट करेगा, बट जो एक नए को सीखने को तैयार है, नए को अपनाने को तैयार है, समय के साथ बदलने को तैयार है, तो वो क्या करने वाला है, वो इसे कंटिन्यूअस
वो इसे हर एक नई चीज को कंटिन्यूअस अपनाएगा। ये जो मैंने पूरा मॉड्यूल दिखाया वो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसमें ना ऐसा ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है कि यो ध्रुवानी परितायज अध्रुवम परिशेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चंद्रुवम नस्तेव नस्तेव नस्तमेव ही। इसका मतलब ये है कि जो निश्चित है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही, जो निश्चित जिसे डिफाइंड आपने पकड़ के रखा है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही, बट जो अनडिफाइंड है, जो अनिश्चित है, वो भी समाप्त होने वाला है, उसका भी विनाश होने वाला है। इसलिए आपको एक मिडल वे आइडेंटिफाई करनी होगी जिसके थ्रू जिसका कोई डिस्ट्रक्शन टाइम डिफाइंड नहीं है और जिसका कोई डिस्ट्रॉइंग टाइम डिफाइंड नहीं है, बट वो समय के साथ वैरी कर रहा है, वो इतना फ्लेक्सिबल, इतना अडेप्टेबल है। क्या आप उस न्यू अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे मैसेज करें और मैसेज में सिर्फ लिखें IAM, जिसका मतलब होता है इम्यूनिटी अबंडेंस मॉडल। मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं उसके किस तरीके से फायदे उठा रहे हैं। ये तो एक जस्ट झलक थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों के सामने रखूं कि ये किस तरीके से इस तरीके के बिना पे, बट इसके बैकग्राउंड में ना बहुत बड़ी सिस्टम होती है, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है जो आप खुद ही आत्मनिर्भर होकर के क्रिएट करते हो। उसमें आपको लोगों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है, बट आप अपने ही इन क्रिएशन के खुद ही सूत्रधार होते हैं। यदि आप में थोड़ी सी भी जागरूकता जागी है और आप इस नए तरीके को पकड़ना चाहते हैं, तो जैसे बाकी के लोग हर वक्त मेरे फेसबुक मैसेंजर में कमेंट कर रहे हैं, वो अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उन लोगों को हेल्प करूं जो उत्सुक हैं। यदि आप उत्सुक नहीं हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें आगे और उन लोगों तक पहुंचने में मदद करें जो एक बिल्कुल नया आयाम अपने मनी मेकिंग में या फिर अपने बिजनेस में या अपने करियर में या अपने रिलेशनशिप में कहीं पे भी देखना चाहते हैं। और ये प्रूवन मेथड है, बिकॉज ये भी कहा जाता है कि पद्धतियां जो होती है ना, पद्धतियां वो सनातन होती हैं, पद्धतियां जो हैं वो चिरकालीन होती हैं, परंतु मनुष्य जो है वो चीरकाल तक नहीं चलता है। यानी जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, एक समय पर आकर खत्म हो जाता है, लेकिन जो पद्धतियां इजाद की गई होती हैं उसे आने वाली पीढ़ियां भी अपने उपयोग में ला सकती हैं। तो उन पद्धतियों पर आधारित कुछ फ्रेमवर्क्स जो डिज़ाइन किए गए हैं वो मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, ये सबसे मज़े की बात है। और जस्ट ये लाइव आने का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था, कई समय से लाइव आना हुआ नहीं था, एक नई टेक्नोलॉजी को मैं टेस्ट भी कर रहा था तो सोचा चलो इसी माध्यम से कुछ बातें भी करेंगे। इस नई टेक्नोलॉजी को जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि मैं लोगों से संवाद कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता है इस वक्त कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट मुझे पता नहीं कि अंत में ये जो वीडियो है ये रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, या फिर मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बट अगेन एक्साइटमेंट उतनी ही है, ऊर्जा उतनी ही है और देने का भाव उतना ही है। तो बस इतना ही कुछ कहना था, शेयर करना था। आपने सुना, थोड़ा बहुत आपने इसे एंजॉय भी किया रहेगा, आप में इसमें आपके लिए कुछ टेक अवेज भी रहे होंगे। तो इतना कहना था और बहुत कुछ है कहने को, बट धीरे धीरे संपर्क में रहेंगे, आप मुझे सुन पाए, मैं खुद का ही मनोरंजन कर पाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।